नमस्कार, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अतिथि शिक्षक पैनल अपडेट करने की डेट में की गई वृद्धि। जी हाँ, जो आदेश 2 जुलाई 2024 को प्राप्त हुआ था, उस आदेश में जो लास्ट डेट थी संस्था प्रमुख के लिए 5 जुलाई 2024 की थी, उसमें वृद्धि कर दी गई है। पैनल अपडेट किन किन गेस्ट टीचर के को करना है, तो इस वीडियो में हम इस दोनों टॉपिक पर बात करेंगे कि किन गेस्ट टीचर को पैनल अपडेट करना है और किन्हें नहीं करना है। तो बढ़ते हैं आदेश की ओर। तो सर्वप्रथम यह स्पष्ट है कि किसी भी अतिथि शिक्षक को पैनल अपडेट नहीं करना है। यह जो प्रक्रिया होनी है, यह संस्था प्रमुख है या संकुल प्राचार्य के माध्यम से की जानी है। ये आदेश जो 5 जुलाई 2024 को जारी किया गया था, और यह आदेश 2 जुलाई 2024 को जो जारी किया गया था, और उसके परिप्रेक्ष्य में डेट वृद्धि करने से या दिनांक वृद्धि करने से संबंधित है। तो इसमें देखें, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में पूर्व से तैयार पैनल के आवेदनों की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने विषय संदर्भ में संकुल प्राचार्य शाला प्रभारी द्वारा विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैयार पैनल के आवेदनों की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने निर्देश दिए गए हैं। उक्त कार्य हेतु शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य दिनांक 8 जुलाई 2024 तक की वृद्धि की जाती है। तो आप 8 जुलाई 2024 तक यह जानकारी संकुल व संस्था प्रमुख के माध्यम से पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।